हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को कंफर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से जिससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है एंड बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि आप लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं मतलब मूवी फेमस से या फिर फ्लॉप तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि मूवी आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर एंजॉय कर सकते हो मींस अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी अच्छी वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2001 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मॉनसून वेडिंग के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मीन का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जन्न के बारे में किस मूवी का जनरन क्या था Means इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट वन आवर एंड फिफ्टी फोर मिनट्स की है मतलब एक घंटा और चौवन मिनट में कम्पलीट होने वाली एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या 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 मिली मीनस कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई एम डबी की जनब से कैटिंग मिली तो आई एम डी बी की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोटो तो के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज तो के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 95 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की, की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही मीन आठ वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स वाले मूवी के पीछे जिन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डायटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मीरा नैर जी आपको इस मूवी की डायरेक्टर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर सबरीना धवन जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे तो यहाँ पर कैरोलिन बैरन एंड उनके साथ मीरा नैर जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स भी दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला मीन एक बहुत मूवी है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर टू ऑल गर्ल्स जी थी एंड इन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में सिर शाह लिलित दुबे शिफाली शाह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आप इस मूवी स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में

फिल्म वेरियल्स जर्मनी की मूवी एनर्स के साथ साथ की फिल्म इटली की आई ड्रीम प्रोडक्शंस इंडिया की एंड e. इंडिया की आपको इस मूवी के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो वेनिस में इस मूवी को थर्टी अगस्त टू को रिलीज किया गया जबकि इंडिया में इस मूवी को थर्टी नवंबर टू में रिलीज किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं ज के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शो की गई कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की गई तो इस मूवी के अंदर इंडिया फ्रांस जर्मनी इटली एंड यूनाइटेड स्टेट को शो किया गया एंड लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस को यूज किया गया इन दो लैंग्वेज के ऊपर इस मूवी को मुकम्मल तौर पर बनाया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के लिए एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से का बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था तो यहाँ पर 1.2 मिलियन इंडियन रुपीस यूनाइटेड डॉलर का एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था तो यहाँ पर 30.8 मिलियन यूएसडीटी डॉलर्स का जी हाँ दोस्तों 1.2 मिलियन डॉलर लगाकर तीस इशारिया आठ मिलियन इंडियन डॉलर कमाने वाली एक सुपर हिट मूवी है जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो अभी लास्ट क्वेश्चन के क्या आप लोग इस मूवी को अगर देखना चाहो तो आपको वहां पर ये मूवी अवेलेबल मिलेगी तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये ये बात जानने के लिए कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जर्नल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की इस में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से जिससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है एंड बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि आप लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं मतलब मूवी फेमस से या फिर फ्लॉप तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि मूवी आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर एंजॉय कर सकते हो मींस अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2001 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मॉनसून वेडिंग के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मीन का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जन्न के बारे में किस मूवी का जनरन क्या था इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट वन आवर एंड फिफ्टी फोर मिनट्स की है मतलब एक घंटा और चौवन मिनट में कम्पलीट होने वाली एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या 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 मिली मीनस कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई एम से इस मूवी को क्या रे रेटिंग मिली तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोटो के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक like किया गया तो रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 95 फाइव परसेंट तक लाइक like किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक like किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को नाइन्टी परसेंट तक लाइक like किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही मीन आठ वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स वाले मूवी के पीछे जिन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डायटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मीरा नैर जी आपको इस मूवी की डायरेक्टर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर सबरीना धवन जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे तो यहाँ पर कैरोलिन बैरन एंड उनके साथ मीरा नैर जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स भी दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला मीन एक बहुत मूवी है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर टू ऑल गर्ल्स जी थी एंड इन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में सिर शाह लिलित डुबे शिफाली शाह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आप इस मूवी स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में

फिल्म वेरियल्स जर्मनी की मूवी एनर्स के साथ साथ की फिल्म इटली की आई ड्रीम प्रोडक्शंस इंडिया की एंड e. इंडिया की आपको इस मूवी के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो वेनिस में इस मूवी को थर्टी अगस्त टू को रिलीज किया गया जबकि इंडिया में इस मूवी को थर्टी नवंबर टू में रिलीज किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं ज के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शो की गई कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की गई तो इस मूवी के अंदर इंडिया फ्रांस जर्मनी इटली एंड यूनाइटेड स्टेट को शो किया गया एंड लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया गया इन दो लैंग्वेज के ऊपर इस मूवी को मुकम्मल तौर पर बनाया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के लिए एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से का बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो तो यहाँ पर 1.2 मिलियन इंडियन रुपीस यूनाइटेड डॉलर का एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था तो यहाँ पर 30.8 मिलियन यूएसडीटी डॉलर्स का जी हाँ दोस्तों 1.2 मिलियन डॉलर लगाकर तीस इशारिया आठ मिलियन इंडियन डॉलर कमाने वाली एक सुपर हिट मूवी है जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो अभी लास्ट क्वेश्चन के क्या आप लोग इस मूवी को अगर देखना चाहो तो आपको वहां पर ये मूवी अवेलेबल मिलेगी तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये ये बात जानने के लिए कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जर्नल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की इस में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो उसके पीछे कौन कौन सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से जिससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है एंड बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि आप लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं मतलब मूवी फेमस

उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2001 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मॉनसून वेडिंग के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मूवी का क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जन्न के बारे में किस मूवी का जनरन क्या था मीस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अबाउट डॉन राउंडी फोर मिनट्स की है मतलब एक घंटा और चौवन मिनट में कम्पलीट होने वाली एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या मिली मीन्स कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई एम से की मूवी से क्या रेटिंग मिली तो आई की डी से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो की बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोटो के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 95 फाइव परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही मीन आठ वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स वाले मूवी के पीछे जिन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मीरा नैयर जी आपको इस मूवी की डायरेक्टर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर सबरीना धवन जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे तो यहाँ पर कैरोलिन बैरन एंड उनके साथ मीरा नैर जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स भी दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला मीन एक बहुत मूवी है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर टू ऑल गर्ल्स जी थी एंड इन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में सिर शाह लिलित डुबे शिफाली शाह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आप इस मूवी स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में

फिल्म वेरियल्स जर्मनी की मूवी एनर्स के साथ साथ की फिल्म इटली की आई ड्रीम प्रोडक्शंस इंडिया की एंड e. इंडिया की आपको इस मूवी के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो वेनिस में इस मूवी को थर्टी अगस्त 2001 को रिलीज किया गया जबकि इंडिया में इस मूवी को थर्टी नवंबर 2001 में रिलीज किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं ज के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शो की गई कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की गई तो इस मूवी के अंदर इंडिया फ्रांस जर्मनी इटली एंड यूनाइटेड स्टेट को शो किया गया एंड तो लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया गया इन दो लैंग्वेज के ऊपर इस मूवी को मुकम्मल तौर पर बनाया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के लिए एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से का बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो तो यहाँ पर 1.2 मिलियन इंडियन रुपीस यूनाइटेड डॉलर का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था तो यहाँ पर 30.8 मिलियन यूएसडीटी डॉलर्स का जी हाँ दोस्तों 1.2 मिलियन डॉलर लगाकर तीस इशारिया आठ मिलियन इंडियन डॉलर कमाने वाली एक सुपर हिट मूवी है जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो अभी लास्ट क्वेश्चन के क्या आप लोग इस मूवी को अगर देखना चाहो तो आपको वहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये ये बात जानने के लिए कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की इस में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो उसके पीछे कौन कौन सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से जिससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है एंड बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि आप लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं मतलब मूवी फेमस या फिर तो साथ-साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मूवी आप लोग अभी करते हैं आज के इस वीडियो को लेकिन वीडियो को करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2001 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मॉनसून वेडिंग के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मूवी का जैन क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जन्न के बारे में किस मूवी का जनरन क्या था मीस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अबाउट डॉन राउंडी फोर मिनट्स की है मतलब एक घंटा और चौवन मिनट में कम्पलीट होने वाली एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या मिली मीन्स कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई एम से की मूवी से क्या रेटिंग मिली तो आई की डी से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो की बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोटो के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेंट टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 95 फाइव परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही मीन आठ वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स वाले मूवी के पीछे जिन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मीरा नैयर जी आपको इस मूवी की डायरेक्टर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर सबरीना धवन जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे तो यहाँ पर कैरोलिन बैरन एंड उनके साथ मीरा नैर जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स भी दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला मीन एक वह मूवी है जिसकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर टू वाल गर्ल्स जी थी एंड इन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग एंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में नसीरुद्दीन शाह लेते ले डुबे शिफा लिशा एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में

फिल्म वेरियल्स आप जर्मनी की मूवी एनर्स के साथ साथ की फिल्म इटली की आई ड्रीम प्रोडक्शंस इंडिया की एंड पी ई फिल्म इंडिया की आपको इस मूवी के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो वेनिस में इस मूवी को थर्टी अगस्त 2001 को रिलीज किया गया जबकि इंडिया में इस मूवी को थर्टी नवंबर 2001 में रिलीज किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं ज के बारे में कि इस कौन कौन सी कंट्रीज शो की गई कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की गई तो इस मूवी के अंदर इंडिया फ्रांस जर्मनी इटली एंड यूनाइटेड स्टेट को शो किया गया एंड लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया गया इन दो लैंग्वेज के ऊपर इस मूवी को मुकम्मल तौर पर बनाया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के लिए एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से का बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो तो यहाँ पर 1.2 मिलियन इंडियन रुपीस यूनाइटेड डॉलर का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था तो यहाँ पर 30.8 मिलियन यूएसडीटी डॉलर्स का जी हाँ दोस्तों 1.2 मिलियन डॉलर लगाकर तीस इशारिया आठ मिलियन इंडियन डॉलर कमाने वाली एक सुपर हिट मूवी है जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो अभी लास्ट क्वेश्चन के क्या आप लोग इस मूवी को अगर देखना चाहो तो आपको वहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजली इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये ये बात जानने के लिए कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जर्नल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की इस में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो उसके पीछे कौन कौन सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से जिससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है एंड बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि आप लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं मतलब मूवी फेमस

उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2001 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मॉनसून वेडिंग के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मूवी का जैन क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जन्न के बारे में किस मूवी का जन्न क्या था Means इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अबाउट डॉन राउंडी फोर मिनट्स की है मतलब एक घंटा और चौवन मिनट में कम्पलीट होने वाली एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली मीन कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई की डी से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो आई की डीबी से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 95 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मींस आठ वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त वाले मूवी के पीछे जिन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मीरा नैर जी आपको इस मूवी की डायरेक्टर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्टोरी लाइन रैक। राइटर कौन से थे तो यहाँ पर सबरीना धवन जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे तो यहाँ पर कैरोलिन बैरन एंड उनके साथ मीरा नैर जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स भी दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला मीन एक वहां मूवी है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर टू ऑल गर्ल्स जी थी एंड उन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में सिर शाह लिलित डुबे शिफाली शाह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आप इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में

फिल्म वेरियल्स आप जर्मनी की मूवी एनर्स के साथ साथ की फिल्म इटली की आई ड्रीम प्रोडक्शंस इंडिया की एंड एस पी ई फिल्म इंडिया की आपको इस मूवी के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो वेनिस में इस मूवी को थर्टी अगस्त 2001 को रिलीज किया गया जबकि इंडिया में इस मूवी को थर्टी नवंबर 2001 में रिलीज किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं ज के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शो की गई और कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की गई तो इस मूवी के अंदर इंडिया फ्रांस जर्मनी इटली एंड यूनाइटेड स्टेट को शो किया गया एंड लैंग्वेज में हिंदी एंड अं इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया गया इन दो लैंग्वेज के ऊपर इस मूवी को मुकम्मल तौर पर बनाया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के लिए एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से का तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था तो यहाँ पर 1.2 मिलियन इंडियन रुपीस यूनाइटेड डॉलर का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था तो यहाँ पर 30.8 मिलियन यूएसडीटी डॉलर्स का जी हाँ दोस्तों 1.2 मिलियन डॉलर लगाकर तीस इशारिया आठ मिलियन इंडियन डॉलर कमाने वाली एक सुपर हिट मूवी है जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो अभी लास्ट क्वेश्चन के क्या आप लोग इस मूवी को अगर देखना चाहो तो आपको वहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजली इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये ये बात जानने के लिए कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जर्नल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की इस में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो उसके पीछे कौन कौन सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से जिससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है एंड बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि आप लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं मतलब मूवी फेमस

उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2001 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मॉनसून वेडिंग के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मूवी का जैन क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जन्न के बारे में किस मूवी का जन्न क्या था मीस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट वन आवर एंड फिफ्टी फोर मिनट्स की है मतलब एक घंटा और चौवन मिनट में कम्पलीट होने वाली एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में लग 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 के क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली मीन कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई की डी से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो आई की डी से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 95 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मींस आठ वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त वाले मूवी के पीछे जिन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डायटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मीरा नैर जी आपको इस मूवी की डायरेक्टर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर सबरीना धवन जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे तो यहाँ पर कैरोलिन बैरन एंड उनके साथ मीरा नैर जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स भी दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला मीन एक वहां मूवी है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर टू ऑल गर्ल्स जी थी एंड उन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में सिर शाह लिलित डुबे शिफा शाह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आप इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में

फिल्म वेरियल्स आप जर्मनी की मूवी एनस के साथ साथ की फिल्म इटली की आई ड्रीम प्रोडक्शंस इंडिया की एंड एस पी ई फिल्म इंडिया की आपको इस मूवी के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो वेनिस में इस मूवी को थर्टी अगस्त टू थाउजेंड वन को रिलीज किया गया जबकि इंडिया में इस मूवी को थर्टी नवंबर टू थाउजेंड वन में रिलीज़ किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रीज के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शो की गई कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की गई तो इस मूवी के अंदर इंडिया फ्रांस जर्मनी इटली एंड यूनाइटेड स्टेट को शो किया गया एंड लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया गया इन दो लैंग्वेज के ऊपर इस मूवी को मुकम्मल तौर पर बनाया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के लिए एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से का तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था तो यहाँ पर 1.2 मिलियन इंडियन रुपीस यूनाइटेड डॉलर का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था तो यहाँ पर 30.8 मिलियन यूएसडीटी डॉलर्स का जी हाँ दोस्तों 1.2 मिलियन डॉलर लगाकर तीस इशारिया आठ मिलियन इंडियन डॉलर कमाने वाली एक सुपर हिट मूवी है जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो अभी लास्ट क्वेश्चन के क्या आप लोग इस मूवी को अगर देखना चाहो तो आपको वहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये ये बात जानने के लिए कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जर्नल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की इस में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो उसके पीछे कौन कौन सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से जिससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है एंड बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि आप लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं मतलब मूवी फेमस

उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2001 हजार में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मोनसोन वेडिंग के बारे में किस तरह की मूवी बनाई गई मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जन्न के बारे में किस मूवी का जन्न क्या था मीस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट वन आवर एंड फिफ्टी फोर मिनट की है मतलब एक घंटा और चौवन मिनट में कम्पलीट होने वाली एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अगर अगर के क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली मीन कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई की डी से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो आई की डीबी से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 95 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानव से मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मींस आठ वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त वाले मूवी के पीछे जिन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डायटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इनफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मीरा नैर जी आपको इस मूवी की डायरेक्टर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर सबरीना धवन जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे तो यहाँ पर कैरोलिन बैरन एंड उनके साथ मीरा नैर जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स भी दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला मीन एक वहां मूवी है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर टू ऑल गर्ल्स जी थी एंड उन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में सिर शाह लिलित डुबे शिफाली शाह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आप इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में

म्यूजिक को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में बहुत बड़ा ब्रांड आईएफसी प्रोडक्शंस एंड के साथ मीरा बाई फिल्म एंड डेल्ही डॉट कॉम आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में यू एस ए फिल्म यूनाइटेड की एंड प्रोकिनो फिल्म ऑफ जर्मनी की मूवी एंड के साथ साथ की फिल्म इटली की आई ड्रीम प्रोडक्शंस इंडिया की एंड था एस पी ई फिल्म इंडिया की आपको इस मूवी के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो वेनिस में इस मूवी को थर्टी अगस्त टू थाउजेंड वन को रिलीज किया गया जबकि इंडिया में इस मूवी को थर्टी नवंबर टू थाउजेंड वन में रिलीज किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रीज के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शो की गई है कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई इस मूवी के अंदर इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड को, को मुकम्मल तौर पर बनाया गया उसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में के इस मूवी के लिए बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने कितना गेन किया मतलब कितने लगाए इस मूवी के लिए कितने पैसे कमाए गए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था तो यहाँ पर 1.2 मिलियन इंडियन रुपीस यूनाइटेड डॉलर का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था तो यहाँ पर 30.8 मिलियन यूएसडीटी डॉलर्स का जी हाँ दोस्तों 1.2 मिलियन डॉलर लगाकर तीस इशारिया आठ मिलियन इंडियन डॉलर कमाने वाली एक सुपर हिट मूवी है जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो अभी लास्ट क्वेश्चन के क्या आप लोग इस मूवी को अगर देखना चाहो तो आपको वहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये ये बात जानने के लिए कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अलाज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जर्नल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की इस में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो उसके पीछे कौन कौन सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से जिससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है एंड बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि आप लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं मतलब मूवी फेमस

उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2001 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मोनसोन वेडिंग के बारे में किस तरह की मूवी बनाई गई मूवी का जैन क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में इस मूवी का जेनर क्या था मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो so, इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट वन हावर एंड फिफ्टी फोर मिनट की है मतलब एक घंटा और चौवन मिनट में कम्प्लीट होने वाली एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली मीस कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई एम डी बी की जन्म से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी बी की जन्म से इस मूवी को ज्यूरेश मिली वो थी यहाँ पर सेवन पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई एम डीबी की जानवे से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटोजो के की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 95 फाइव परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को नाइन्टी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही मीन आठ वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स वाले मूवी के पीछे जिन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इनफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मीरा नैर जी आपको इस मूवी की डायरेक्टर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर सबरीना धवन जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे तो यहाँ पर कैरोलिन बैरन एंड उनके साथ मीरा नैर जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स भी दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला मीन एक वहाद मूवी है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर टू ऑल गर्ल्स जी थी एंड उन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में नसीरुद्दीन शाह लेते डुबे शिफा लिशा एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में

फिल्म वेरियल्स आप जर्मनी की मूवी एनस के साथ साथ की फिल्म इटली की आई ड्रीम प्रोडक्शंस इंडिया की एंड एस पी ई फिल्म इंडिया की आपको इस मूवी के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो वेनिस में इस मूवी को थर्टी अगस्त टू थाउजेंड वन को रिलीज किया गया जबकि इंडिया में इस मूवी को थर्टी नवंबर टू थाउजेंड वन में रिलीज़ किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं ज के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन, कौन कौन सी कंट्रीज शो की गई कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की गई तो इस मूवी के अंदर इंडिया फ्रांस जर्मनी इटली एंड यूनाइटेड स्टेट को शो किया गया एंड लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश को यूज किया गया इन दो लैंग्वेज के ऊपर इस मूवी को मुकम्मल तौर पर बनाया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के लिए एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था तो यहाँ पर 1.2 मिलियन इंडियन रुपीस यूनाइटेड डॉलर का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था तो यहाँ पर 30.8 मिलियन यूएसडीटी डॉलर्स का जी हाँ दोस्तों 1.2 मिलियन डॉलर लगाकर तीस इशारिया आठ मिलियन इंडियन डॉलर कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो अभी लास्ट क्वेश्चन के क्या आप लोग इस मूवी को अगर देखना चाहो तो आपको वहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये ये बात जानने के लिए कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोग को, को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के चारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से जिससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है एंड बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि आप लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं मतलब मूवी फेमस i ja flop तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि मूवी आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर एंजॉय कर सकते हो मींस अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2001 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मॉनसून वेडिंग के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मीन की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में किस मूवी का जेनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट वन आवर एंड फिफ्टी फोर मिनट्स की है मतलब एक घंटा और चौवन मिनट में कम्प्लीट होने वाली एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली मीन कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई एम से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो आई की डीबी से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी थीवन पर थ्री आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को 95 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मींस आठ वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त वाले मूवी के पीछे जिन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डराइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इनफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मीरा नैर जी आपको इस मूवी की डायरेक्टर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर सबरीना धवन जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे तो यहाँ पर कैरोलिन बैरन एंड उनके साथ मीरा नैर जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स भी दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला मीन एक बहुत मूवी है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर टू ऑल गर्ल्स ये थी एंड उन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टाकास्ट के बारे में इस मूवी की स्टॉकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी की स्टॉकास्ट में नसीरुद्दीन शाह लिलित डुबे शिफा अली शाह एंड बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप इस मूवी कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ एनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर दिक्लैन क्विन आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सेनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन से थे तो यहाँ पर एलिसन सी जॉनसन जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर माइकल दन्ना जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट

फिल्म वेरियल्स आप जर्मनी की मूवी एनस के साथ साथ की फिल्म इटली की आई ड्रीम प्रोडक्शंस इंडिया की एंड एस पी ई फिल्म इंडिया की आपको इस मूवी के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो वेनिस में इस मूवी को थर्टी अगस्त टू को रिलीज़ किया गया जबकि इंडिया में इस मूवी को थर्टी नवंबर टू में रिलीज़ किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शो की गई कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की गई तो इस मूवी के अंदर इंडिया फ्रांस जर्मनी इटली एंड यूनाइटेड स्टेट को शो किया गया एन लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया गया इन दो लैंग्वेज के ऊपर इस मूवी को मुकम्मल तौर पर बनाया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के लिए एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो तो यहाँ पर वन मिलियन इंडियन रुपीज यूनाइटेड डॉलर का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो होता तो है यहाँ पर थर्टी मिलियन यू एस का जी हाँ दोस्तों वन मिलियन डॉलर लगाकर तीस इशारिया आठ मिलियन इंडियन वाली सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो अभी लास्ट क्वेश्चन के आप लोग इस मूवी को अगर देखना चाहो तो आपको वहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहां पर इस मूवी को इजली इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोग को कन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन सा और से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से जिससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है एंड बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं मतलब मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि मूवी आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर एंजॉय कर सकते हो मींस अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी अच्छी वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रही तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2001 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मॉनसून वेडिंग के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जन्न के बारे में किस मूवी का जनरक क्या था मीस इस मूवी के, के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट वन आवर एंड फिफ्टी फोर मिनट की है मतलब एक घंटा और चौवन मिनट में कम्प्लीट होने वाली एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली मीन कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई एम डीबी की जनब से क्या रेटिंग मिली तो आई की डीबी से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को 95 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मींस आठ वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त वाले मूवी के पीछे जिन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डराइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इनफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मीरा नैर जी आपको इस मूवी की डायरेक्टर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर सबरीना धवन जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे तो यहाँ पर कैरोलिन बैरन एंड उनके साथ मीरा नैर जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स भी दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला मीन एक बहुत मूवी है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर टू ऑल गर्ल्स ही थी एंड उन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टाकास्ट के बारे में इस मूवी की स्टॉकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी की स्टॉकास्ट में शीर शाह लिलित डुबे शिफा अली शाह एंड बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप इस मूवी कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ एनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर दिक्लैन क्विन आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सेनेमाटोग्राफी को संभाला उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन से थे तो यहाँ पर एलिसन सी जॉनसन जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर माइकल दन्ना जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट

फिल्म वेरियल्स आप जर्मनी की मूवी एनस के साथ साथ की फिल्म इटली की आई ड्रीम प्रोडक्शंस इंडिया की एंड एस एसपीई फिल्म्स इंडिया की आपको इस मूवी के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो वेनिस में इस मूवी को थर्टी अगस्त 2001 को रिलीज किया गया जबकि इंडिया में इस मूवी को थर्टी नवंबर 2001 में रिलीज़ किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शो की गई कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की गई तो इस मूवी के अंदर इंडिया फ्रांस जर्मनी इटली एंड यूनाइटेड स्टेट को शो किया गया इन लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया गया इन दो लैंग्वेज के ऊपर इस मूवी को मुकम्मल तौर पर बनाया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के लिए एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो यहाँ पर वन मिलियन इंडियन रुपीज यूनाइटेड डॉलर का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो होता है यहाँ पर थर्टी मिलियन यू एस का जी हाँ दोस्तों वन मिलियन डॉलर लगाकर तीस इशारिया आठ मिलियन इंडियन वाली सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो अभी लास्ट क्वेश्चन आप लोग इस मूवी को अगर देखना चाहो तो आपको वहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहां पर इस मूवी को इजली इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोग को कन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को लाइक किया या डिसलाइक किया तो उसके पीछे कौन कौन सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से जिससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है एंड बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं मतलब मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि मूवी आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर एंजॉय कर सकते हो मींस अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी अच्छी वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2001 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मॉनसून वेडिंग के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जन्न के बारे में किस मूवी का जनरक क्या था मीस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो so, इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट वन आवर एंड फिफ्टी फोर मिनट की है मतलब एक घंटा और चौवन मिनट में कम्प्लीट होने वाली एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अगर अगर के क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली मीन कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई एम से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो आई की डीबी से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को 95 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मींस आठ वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त वाले मूवी के पीछे जिन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डायटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इनफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मीरा नैर जी आपको इस मूवी की डायरेक्टर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर सबरीना धवन जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे तो यहाँ पर कैरोलिन बैरन एंड उनके साथ मीरा नैर जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स भी दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला मीन एक बहुत मूवी है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर टू आल गर्ल्स जी थी एंड इन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में न शाह लिलित डुबे शिफाली शाह एंड बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप इस मूवी कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ एनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर दिक्लैन क्विन आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ तो तो साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन से थे तो यहाँ पर एलिसन सी जॉनसन जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर माइकल दन्ना जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट

फिल्म वेरियल्स आप जर्मनी की मूवी एनस के साथ साथ की फिल्म्स इटली की आई ड्रीम प्रोडक्शंस इंडिया की एंड एस एसपीई फिल्म्स इंडिया की आपको इस मूवी के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो वेनिस में इस मूवी को थर्टी अगस्त 2001 को रिलीज किया गया जबकि इंडिया में इस मूवी को थर्टी नवंबर 2001 में रिलीज़ किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शो की गई कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की गई तो इस मूवी के अंदर इंडिया फ्रांस जर्मनी इटली एंड यूनाइटेड स्टेट को शो किया गया एन लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया गया इन दो लैंग्वेज के ऊपर इस मूवी को मुकम्मल तौर पर बनाया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के लिए एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो यहाँ पर वन मिलियन इंडियन रुपीज़ यूनाइटेड डॉलर का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो होता है यहाँ पर थर्टी मिलियन यू एस का जी हाँ दोस्तों वन मिलियन डॉलर लगाकर तीस इशारिया आठ मिलियन इंडियन डॉलर्स कमाने वाली सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो अभी लास्ट क्वेश्चन आप लोग इस मूवी को अगर देखना चाहो तो आपको वहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहां पर इस मूवी को इजली इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोग को कन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन सा और से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से जिससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है एंड बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं मतलब मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि मूवी आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर एंजॉय कर सकते हो मींस अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2001 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मॉनसून वेडिंग के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मीन का जैन क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मोवी के कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जन्न के बारे में किस मूवी का जनरक क्या था मीस इस मूवी के अंदर आपको क्या, आप क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट वन आवर एंड फिफ्टी फोर मिनट की है मतलब एक घंटा और चौवन मिनट में कम्प्लीट होने वाली एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अगर अगर के क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली मीन कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई एम से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो आई की डीबी से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को 95 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही आठ वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त वाले मूवी के पीछे जिन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डायटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इनफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मीरा नैर जी आपको इस मूवी की डायरेक्टर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर सबरीना धवन जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे तो यहाँ पर कैरोलिन बैरन एंड उनके साथ मीरा नैर जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स भी दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला मीन एक बहुत मूवी है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर टू आल गर्ल्स जी थी एंड इन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में न शाह लिलित डुबे शिफाली शाह एंड बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप इस मूवी कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ एनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर दिक्लैन क्विन आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन से थे तो यहाँ पर एलिसन सी जॉनसन जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर माइकल दन्ना जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट

फिल्म वेरियल्स आप जर्मनी की मूवी एनस के साथ साथ की फिल्म इटली की आई ड्रीम प्रोडक्शंस इंडिया की एंड एस पी ई फिल्म इंडिया की आपको इस मूवी के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो वेनिस में इस मूवी को थर्टी अगस्त टू को रिलीज किया गया जबकि इंडिया में इस मूवी को थर्टी नवंबर टू में रिलीज़ किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शो की गई कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की गई तो इस मूवी के अंदर इंडिया फ्रांस जर्मनी इटली एंड यूनाइटेड स्टेट को शो किया गया इन लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया गया इन दो लैंग्वेज के ऊपर इस मूवी को मुकम्मल तौर पर बनाया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के लिए एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो यहाँ पर वन मिलियन इंडियन रुपीज़ यूनाइटेड डॉलर का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो होता है यहाँ पर थर्टी मिलियन यू एस का जी हाँ दोस्तों वन मिलियन डॉलर लगाकर तीस इशारिया आठ मिलियन इंडियन डॉलर्स कमाने वाली सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो अभी लास्ट क्वेश्चन आप लोग इस मूवी को अगर देखना चाहो तो आपको वहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहां पर इस मूवी को इजली इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को, को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जर्नल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की इस में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से जिससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है एंड बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि आप लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं मतलब मूवी फेमस

तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि मूवी आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर एंजॉय कर सकते हो मींस अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे तो शुरू करते हैं आज इस वीडियो को और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2001 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मॉनसून वेडिंग के बारे में कि किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में इस मूवी का जेनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट वन आवर एंड फिफ्टी फोर मिनट्स की है मतलब एक घंटा और चौवन मिनट में कम्प्लीट होने वाली एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अगर अगर के क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली मीन कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई एम से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो आई की डीबी से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी थीवन पर थ्री आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को 95 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही आठ वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी, वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त वाले मूवी के पीछे जिन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डायटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इनफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मीरा नैर जी आपको इस मूवी की डायरेक्टर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर सबरीना धवन जी आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे तो यहाँ पर कैरोलिन बैरन एंड उनके साथ मीरा नैर जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स भी दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला मीन एक बहुत मूवी है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर टू आल गर्ल्स जी थी एंड इन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में न शाह लिलित डुबे शिफाली शाह एंड बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप इस मूवी कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ एनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर दिक्लान कुन आपको इस मूवी के सीनेमाटोगाफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे तो यहाँ पर एलिसन सी जॉनसन जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर माइकल दन्ना जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट

फिल्म वेरियल्स आप जर्मनी की मूवी एनस के साथ साथ की फिल्म इटली की आई ड्रीम प्रोडक्शंस इंडिया की एंड एस एसपीई फिल्म्स इंडिया की आपको इस मूवी के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो वेनिस में इस मूवी को थर्टी अगस्त 2001 को रिलीज़ किया गया जबकि इंडिया में इस मूवी को थर्टी नवंबर 2001 में रिलीज़ किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शो की गई कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की गई तो इस मूवी के अंदर इंडिया फ्रांस जर्मनी इटली एंड यूनाइटेड स्टेट को शो किया गया इन लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया गया इन दो लैंग्वेज के ऊपर इस मूवी को मुकम्मल तौर पर बनाया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के लिए एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो यहाँ पर वन मिलियन इंडियन रुपीज यूनाइटेड डॉलर का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो होता है यहाँ पर थर्टी मिलियन यू एस का जी हाँ दोस्तों वन मिलियन डॉलर लगाकर तीस इशारिया आठ मिलियन इंडियन डॉलर्स कमाने वाली सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो अभी लास्ट क्वेश्चन आप लोग इस मूवी को अगर देखना चाहो तो आपको वहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहां पर इस मूवी को इजली इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से जिससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है एंड बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि आप लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं मतलब मूवी फेमस

तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि मूवी आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर एंजॉय कर सकते हो मींस अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे तो शुरू करते हैं आज इस वीडियो को और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2001 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मॉनसून वेडिंग के बारे में कि किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में इस मूवी का जेनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट वन आवर एंड फिफ्टी फोर मिनट्स की है मतलब एक घंटा और चौवन मिनट में कम्प्लीट होने वाली एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में गर गर के क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली मीन कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई एम से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो आई की डीबी से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को 95 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मींस आठ वाल के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी, वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त वाले मूवी के पीछे जिन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंडर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इनफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मीरा नैर जी आपको दि इस, इस मूवी की डायरेक्टर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर सबरीना धवन जी आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे तो यहाँ पर कैरोलिन बैरन एंड उनके साथ मीरा नैर जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स भी दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला मीन ये एक बहुत मूवी है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर टू आल गर्ल्स जी थी एंड इन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में न शाह लिलित डुबे शिफाली शाह एंड बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप इस मूवी कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ एनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर दिक्लान कुन आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे तो यहाँ पर एलिसन सी जॉनसन जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर माइकल दन्ना जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट

फिल्म वेरियल्स आप जर्मनी की मूवी एनस के साथ साथ की फिल्म इटली की आई ड्रीम प्रोडक्शंस इंडिया की एंड एस एसपीई फिल्म्स इंडिया की आपको इस मूवी के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो वेनिस में इस मूवी को थर्टी अगस्त 2001 को रिलीज़ किया गया जबकि इंडिया में इस मूवी को थर्टी नवंबर 2001 में रिलीज़ किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शो की गई कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की गई तो इस मूवी के अंदर इंडिया फ्रांस जर्मनी इटली एंड यूनाइटेड स्टेट को शो किया गया इन लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया गया इन दो लैंग्वेज के ऊपर इस मूवी को मुकम्मल तौर पर बनाया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के लिए एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर वन मिलियन इंडियन रुपीज यूनाइटेड डॉलर का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो होता है यहाँ पर थर्टी मिलियन यू एस का जी हाँ दोस्तों वन मिलियन डॉलर लगाकर तीस इशारिया आठ मिलियन इंडियन डॉलर्स कमाने वाली सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो अभी लास्ट क्वेश्चन आप लोग इस मूवी को अगर देखना चाहो तो आपको वहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहां पर इस मूवी को इजली इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से जिससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है एंड बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि आप लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं मतलब मूवी फेमस

तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि मूवी आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर एंजॉय कर सकते हो मींस अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे तो शुरू करते हैं आज इस वीडियो को और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2001 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मॉनसून वेडिंग के बारे में कि किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में इस मूवी का जनरल क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट वन आवर एंड फिफ्टी फोर मिनट्स की है मतलब एक घंटा और चौवन मिनट में कम्प्लीट होने वाली एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली मीन कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई एम से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो आई की डीबी से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को 95 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मींस आठ वाल के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग वाले। मूवी के पीछे जिन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंडर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इनफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मीरा नैर जी आपको इस मूवी की डायरेक्टर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर सबरीना धवन जी आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे तो यहाँ पर कैरोलिन बैरन एंड उनके साथ मीरा नैर जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स भी दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला मीन एक बहुत मूवी है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर टू आल गर्ल्स जी थी एंड इन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में न शाह लिलित डुबे शिफाली शाह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप इस मूवी कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ एनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर डिक्लैन क्विन आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन से थे तो यहाँ पर एलिसन सी जॉनसन जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर माइकल दन्ना जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट

फिल्म वेरियल्स आप जर्मनी की मूवी एनस के साथ साथ की फिल्म इटली की आई ड्रीम प्रोडक्शंस इंडिया की एंड एस एसपीई फिल्म्स इंडिया की आपको इस मूवी के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या सी मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो वेनिस में इस मूवी को थर्टी अगस्त टू को रिलीज़ किया गया जबकि इंडिया में इस मूवी को थर्टी नवंबर टू में रिलीज़ किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕੀ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਆ ਫਰਾਂਸ ਜਰਮਨੀ ਇਟਲੀ ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ इन लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया गया इन दो लैंग्वेज के ऊपर इस मूवी को मुकम्मल तौर पर बनाया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के लिए एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो यहाँ पर वन मिलियन इंडियन रुपीज यूनाइटेड डॉलर का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो होता है यहाँ पर थर्टी मिलियन यू एस का जी हाँ दोस्तों वन मिलियन डॉलर लगाकर तीस इशारिया आठ मिलियन इंडियन डॉलर्स कमाने वाली सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो अभी लास्ट क्वेश्चन आप लोग इस मूवी को अगर देखना चाहो तो आपको वहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहां पर इस मूवी को इजली इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से जिससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है एंड बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि आप लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं मतलब मूवी फेमस i ja flop तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि मूवी आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर एंजॉय कर सकते हो मींस अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो शुरू करते हैं आज इस वीडियो को और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2001 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मॉनसून वेडिंग के बारे में कि किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में इस मूवी का जेनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट वन आवर एंड फिफ्टी फोर मिनट की है मतलब एक घंटा और चौवन मिनट में कम्प्लीट होने वाली एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली मींस कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई की जब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जानवर से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमा के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की से इस मूवी को नाइन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मींस आठ वाल के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग्स वाले मूवी के पीछे जिन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंडर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इनफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मीरा नैर जी आपको इस मूवी की डायरेक्टर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर सबरीना धवन जी आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे तो यहाँ पर कैरोलिन बैरन एंड उनके साथ मीरा नैर जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स भी दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला मीन एक बहुत मूवी है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर टू आल गर्ल्स जी थी एंड उन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में न शाह लिलित डुबे शिफाली शाह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप इस मूवी स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ एनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर दिक्लैन क्विन आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन से थे तो यहाँ पर एलिसन सी जॉनसन जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर माइकल दन्ना जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट

फिल्म वेरियल्स आप जर्मनी की मूवी एनस के साथ साथ की फिल्म इटली की आई ड्रीम प्रोडक्शंस इंडिया की एंड एस एसपीई फिल्म्स इंडिया की आपको इस मूवी के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या सी मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो वेनिस में इस मूवी को थर्टी अगस्त टू को रिलीज़ किया गया जबकि इंडिया में इस मूवी को थर्टी नवंबर टू में रिलीज़ किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शो की गई हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की गई तो इस मूवी के अंदर इंडिया फ्रांस जर्मनी इटली एंड यूनाइटेड स्टेट को शो किया गया इन लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया गया इन दो लैंग्वेज के ऊपर इस मूवी को मुकम्मल तौर पर बनाया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के लिए एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर वन मिलियन इंडियन रुपीज यूनाइटेड डॉलर का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था है यहाँ पर थर्टी मिलियन यू एस का जी हाँ दोस्तों वन मिलियन डॉलर लगाकर तीस इशारिया आठ मिलियन इंडियन डॉलर्स कमाने वाली सुपर हट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो अभी लास्ट क्वेश्चन आप लोग इस मूवी को अगर देखना चाहो तो आपको वहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहां पर इस मूवी को इजली इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की चाकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो उसके पीछे कौन कौन सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से जिससे आप लोगों को अंदाजा हो सकता है एंड बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि आप लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं मतलब मूवी फेमस i ja flop तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि मूवी आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर एंजॉय कर सकते हो मींस अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो शुरू करते हैं आज इस वीडियो को और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2001 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मॉनसून वेडिंग के बारे में कि किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में इस मूवी का जेनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट वन आवर एंड फिफ्टी फोर मिनट की है मतलब एक घंटा और चौवन मिनट में कम्प्लीट होने वाली एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली मींस कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई की जब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जानवर से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमा के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जब से इस मूवी को नाइन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मींस आठ वाल के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग्स वाले मूवी के पीछे जिन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के, के, तो के, के, कर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मीरा नैयर जी आपको इस मूवी की डायरेक्टर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर सबरीना धवन जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे तो यहाँ पर कैरोलिन बैरन एंड उनके साथ मीरा नैर जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स भी दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला मीन एक बहुत मूवी है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर टू आल गर्ल्स जी थी एंड इन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने जो है ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में न शाह लिलित डुबे शिफाली शाह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप इस मूवी स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ एनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर डिक्लैन क्विन आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे तो यहाँ पर एलिसन सी जॉनसन जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर माइकल दन्ना जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट

फिल्म वेरियल्स आप जर्मनी की मूवी एनस के साथ साथ की फिल्म इटली की आई ड्रीम प्रोडक्शंस इंडिया की एंड एस एसपीई फिल्म्स इंडिया की आपको इस मूवी के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या सी मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो वेनिस में इस मूवी को थर्टी अगस्त टू को रिलीज़ किया गया जबकि इंडिया में इस मूवी को थर्टी नवंबर टू में रिलीज़ किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शो की गई हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की गई तो इस मूवी के अंदर इंडिया फ्रांस जर्मनी इटली एंड यूनाइटेड स्टेट को शो किया गया इन लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया गया इन दो लैंग्वेज के ऊपर इस मूवी को मुकम्मल तौर पर बनाया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के लिए एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर वन मिलियन इंडियन रुपीज यूनाइटेड डॉलर का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था है यहाँ पर थर्टी मिलियन यू एस का जी हाँ दोस्तों वन मिलियन डॉलर लगाकर तीस इशारिया आठ मिलियन इंडियन डॉलर्स कमाने वाली सुपर हट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो अभी लास्ट क्वेश्चन के आप लोग इस मूवी को अगर देखना चाहो तो आपको वहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहां पर इस मूवी को इजली इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बस आसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह